आज की वीडियो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। आज मैं आपको ब्राउनी वेयर की बुक 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग से बताऊंगा कि वो कौन से 5 रिग्रेट्स या अफसोस हैं जो लोग तब करते हैं जब वो अपनी मौत के करीब होते हैं। ऑथर ब्राउनी वेयर ने पैलिएटिव केयर यूनिट में कई सालों तक एज अ नर्स काम किया। पैलिएटिव केयर यूनिट उस जगह को कहते हैं जहां उन मरीजों को रिलैक्स करने के लिए लाया जाता है जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में होते हैं, जिनके बचने का कोई चांस नहीं होता। तो अपने काम के दौरान ऑथर ने पाया कि पेशेंट्स अपनी जिंदगी की कई बातों पर अफसोस करते हैं। उन्हें इसमें एक पैटर्न दिखा। ज्यादातर लोग 5 तरह के अफसोस करते थे, तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो 5 रिग्रेट्स जो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में करते हैं। सबसे कॉमन रिग्रेट जो लोगों को मरते वक्त होता है वो है, आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। काश मैं अपनी जिंदगी वैसे जीता या जीती जैसे मैं चाहता था, ना कि जैसे दूसरे लोग चाहते थे। मैंने प्रोफेशन वो चूज नहीं किया जिसके लिए मेरा दिल कहता था। मम्मी की मान ली, डैडी की मान ली, रो धोकर आखिर में रिटायर हो गया या हो गई, लेकिन वो नहीं कर सका जिसके लिए मैं पैदा हुआ था। लोग सिर्फ इस वजह से अपने दिल की नहीं करते कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। मेरे कजिन्स डॉक्टर या इंजीनियर बन गए हैं तो मुझे भी डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। अगर मेरा शौक है कि मैं यूट्यूबर बनूं, अगर मेरा शौक है कि मैं ब्लॉगर बनूं, तो मैं नहीं बन सकता क्योंकि मेरी फैमिली और मेरी सोसाइटी इसकी इजाजत नहीं देती। तो जब मरने का वक्त करीब आता है तो इंसान सोचता है कि मैं सारी जिंदगी वो काम करता रहा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। जब मैं सुबह उठता था तो उस काम के लिए मैं खुश नहीं होता था, लेकिन मैं पैसे कमाने के लिए मजबूरी में सारी जिंदगी वो काम करता रहा। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिग्रेट है जब इंसान मरने वाला होता है। लेकिन इट्स नेवर टू लेट। अगर आपको लगता है कि आप वो काम करना पसंद नहीं करते हो जो आप कर रहे हो, तो दुनिया में और भी कई रास्ते हैं। आप कोशिश करिए, कहीं आपको ये रिग्रेट ना रह जाए कि आपने कोशिश नहीं की, काश मैं कोशिश कर लेता। तो आप हमेशा अपने दिल की सुनो, वो काम करो जो आपको पसंद है, वो जिंदगी जियो जो आपको पसंद है। अगर आप यही सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप ऐसी लाइफ जीते रहोगे जो आपको पसंद नहीं है। एंड एट लास्ट आप भी यही रिग्रेट कर रहे होगे कि काश मैंने दूसरों की ना सुनी होती। ये वीडियो देख रहे सारे पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चों को फोर्स मत करिए कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, या वही पढ़ाई करे जो उनके कजिन ने की है। हर इंसान अलग होता है, सबकी क्वालिटीज अलग होती हैं। अगर वो डॉक्टर बन भी गया तो अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। ऐसे डॉक्टर्स आप देख सकते हो गिरते पड़ते फैमिली के प्रेशर से डॉक्टर तो बन गए, लेकिन उन्हें मजा नहीं आता यह काम करने में। डॉक्टर बनने के बाद भी वो मक्खी मार रहे हैं। जबरदस्ती के बने हुए इंजीनियर्स की भी यही कहानी है। क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा आखिरी टाइम में ये रिग्रेट करे कि काश मैंने अपने पेरेंट्स की बात ना मानी होती? दूसरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता है जब हम मरने वाले होते हैं कि आई विश आई डिडंट वर्क सो हार्ड, काश मैंने इतनी ज्यादा मेहनत ना की होती। जब आप मरने के करीब होते हैं तब रियलाइज होता है कि आखिर मैं इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करता रहा। मैं बस कमाने में लगा रहा, फैमिली को टाइम नहीं दे पाया, अपने बच्चों का बचपन नहीं देख पाया, मेरे पास अपने बच्चों के साथ खेलने का टाइम नहीं था, मैंने अपने आप को भी टाइम नहीं दिया। मैं बस दूसरों के लिए काम करता रहा, या तो दूसरों को खुश करने के लिए काम करता रहा, या दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए काम करता रहा। आप उतना ही काम करो जितने की आपको जरूरत है। इस पॉइंट का यह मतलब नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दो, इसका मतलब यह है कि आप खुद को भी टाइम दो, अपनी फैमिली को भी टाइम दो। जब आपकी फैमिली आपका इंतजार करती है और आप घर नहीं आते हो तो सोचिए कैसा लगता होगा उन्हें। तीसरा रिग्रेट जो हम मरते वक्त करते हैं वो ये है कि आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, काश मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाता। हम किसी ना किसी डर की वजह से, शायद फैमिली का डर या शायद सोसाइटी का डर या कोई और वजह से, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी को प्रपोज करो, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मतलब ये भी है कि आप अपने माँ बाप को बता सको कि उन्हें कितना प्यार करते हो, अपने हस्बैंड या वाइफ को बता सको कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, अपने बच्चों को बता सको। साइकोलॉजिकली प्यार को एक्सप्रेस करने से दो लोगों के प्यार में इजाफा होता है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप किसी के बारे में अच्छा फील करते हो तो उन्हें बताइए, अगर आपको बोलने में शर्म आती है तो लिख कर बताइए। चौथा रिग्रेट जो हम मरते वक्त करते हैं वो ये है
कि आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स, काश मैं अपने दोस्तों के कॉन्टेक्ट में रहा होता। हम अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि दोस्तों को भूल जाते हैं। वो दोस्त जो आपके सुख दुख में काम आते हैं, वो दोस्त जो आपकी मदद करते हैं, वो दोस्त जो आपको शायद आपकी फैमिली से भी ज्यादा जानते हैं, वो दोस्त जिनके साथ आपने काफी वक्त गुजारा होता है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, भले ही आपकी शादी हो गई हो, आपके बच्चे भी हों, अपने दोस्तों को कभी ना भूलना। दोस्ती हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी दोस्त आपको याद आता है, अपना फोन उठाइए और उसे कॉल करिए या उसके घर जाइए और उससे मिलिए, और आपको जरूर खुशी मिलेगी। पांचवा रिग्रेट जो हम मरते वक्त करते हैं वो ये है कि आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर, काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। ये बात याद रखिए कि कोई बाहर से आपको खुशी नहीं दे सकता कि ये लो खुशी और आप खुश हो जाओ। खुशी आपके अंदर से आती है। मान लो कि आप एक माउंटेन क्लाइंबर हो, आपको लगता है कि पीक पर पहुंचने के बाद आपको खुशी मिलेगी। आपको एक हेलीकॉप्टर से उठाकर पीक पर छोड़ दिया जाता है तो क्या आपको खुशी मिलेगी? फिर कैसी खुशी, मजा ही क्या आया माउंटेन क्लाइंबिंग का। फेमस राइटर टाल बैन शहर कहते हैं, पीक पर खुशी नहीं है और खुशी बिना किसी गोल के पहाड़ के आसपास भटकने में भी नहीं है। खुशी तो है उस एक्सपीरियंस में जो आपको पहाड़ चढ़ने के दौरान मिलता है, यानी खुशी है उस काम में जो आपको आपके ड्रीम की तरफ आगे बढ़ाता है। अगर आपको कोई ड्रीम नहीं है तो ड्रीम देखो। इस रिग्रेट का सॉल्यूशन पहले बताए गए चार रिग्रेट्स में मिलता है। रिग्रेट नंबर 1, वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलेगी। रिग्रेट नंबर 2, अपने लोगों को टाइम दो, आपको खुशी मिलेगी। रिग्रेट नंबर 3, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, आपको खुशी मिलेगी। रिग्रेट नंबर 4, अपने दोस्तों से मिलो, आपको खुशी मिलेगी। इसके अलावा किसी की हेल्प कर दो, खुशी मिलेगी। किसी को हंसा दो, खुशी मिलेगी। लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय करो, खुशी मिलेगी। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद के बारे में जरा सोचोगे। इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ।